हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं, ये आपको सबको पता ही होगा क्योंकि आप सब ने ये चीज़ को आपकी SST बुक के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। उस चैप्टर को तो आपने देख ही लिया है, सीख ही लिया है। आज इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे नेल्सन मंडेला ने जब प्रेसिडेंट बने थे और अपनी प्रेसिडेंसी की उन्होंने ओथ ली थी, प्लेज ली थी, उस दिन क्या हुआ था, उस बारे में उन्होंने अपनी जो बुक है ऑटोबायोग्राफी उसमें लिखा है। उसका एक छोटा सा, उस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसका उन्होंने नाम द इनोग्रेशन रखा है उस सेरेमनी का। तो आपको देखने को मिलेगा नेल्सन मंडेला की क्या फीलिंग्स थी उस दिन, उन्होंने क्या क्या उन्होंने अपनी ओथ में कहा और साथ में उसके आसपास क्या चीज़ें घटी जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अपने देश के, यानी कि साउथ अफ्रीका के। कैसे वो इस अचीवमेंट तक पहुँचे, उसके पीछे की क्या क्या जर्नी रही, वो सारी कुछ आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। से शुरू कर वक्त गवाए आज का चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए शुरू करते हैं। तो नेल्सन मंडेला का जो पूरा नाम है वो नेल्सन रोलिहाला मंडेला है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द जरूर पता होना चाहिए जिसका नाम है अपार्टेड। अपार्टेड का मतलब होता है कि इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। वो लोग किस टाइप के हैं, उनका कलर क्या है, कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं, उसके आधार पर जब किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें पॉलिटिकली सेपरेट कर दिया जाता है, उसे अपार्टहाइड कहते हैं। ठीक है, अपार्टहाइड शब्द बना है अपार्ट से। अपार्ट का मतलब होता है, आपको दिख रहा होगा जिसका मतलब होता है अलग हो जाना। कैन यू से विच ऑफ दिस थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंट। क्या आप बता सकते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में अपार्टहाइड रिसेंट में कहाँ पर चला, अभी तक कहाँ चल रहा था? तो आप बता सकते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में अभी तक चल रहा था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो उनकी पार्टी थी, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टहाइड। उनकी पार्टी और उन्होंने इस अपार्टहाइड सिस्टम के खिलाफ पूरी लाइफ संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई करी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, प्रिसाइजली 28 या 27 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिटरेचर में आगे पीछे चलता है, तो लगभग 30 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी रिसेंट की बात है कि उनके यहाँ पर इलेक्शंस हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और इस तरीके से वो नए नेशन के बन गए राष्ट्रपति। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन द इनोग्रेशन। इस जो एक्सेप्ट लिया गया है उसमें ये लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की उनकी ऑटोबायोग्राफी से, जिसमें मंडेला बात करते हैं एक हिस्टोरिक ओकेजन, यानी कि एक ऐतिहासिक क्षण आया था उनके कंट्री में जिसका नाम उन्होंने रखा द इनोग्रेशन, उसके बारे में। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, आप बता सकते हैं कि जो ओकेजन रहा होगा इनोग्रेशन है किस चीज़ के बारे में रहा होगा? चेक योर गेस विद न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ May 1994। तो यहाँ पर आप ये 1994 में 10th मई के दिन जो अखबार में पब्लिश हुआ था BBC में, उसका न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के आप गेस कर सकते हैं कि ये जो चैप्टर है किस बारे में है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें इसको। जस्ट मिनट, चलिए इससे ज़्यादा एडजस्ट हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 centuries के लंबे वाइट रूल के बाद, सफ़ेद लोगों के, गोरे लोगों के रूल के बाद, अब नेशनल अपने साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो नेल्सन मंडेला। जस्ट मिनट,
मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं, ठीक है, एक स्वतंत्र चुनाव कभी नहीं होते थे, तो पहली बार वहां पर डेमोक्रेटिक चुनाव हुए, इलेक्शन हुए और 252 सीट्स आउट ऑफ 400 उन्होंने जीत ली। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर विक्टोरिया टुडे अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इनोग्रेशन सेरेमनी एम्फी थिएटर नाम की पर हुआ एक बिल्डिंग में, जहाँ पर पूरी देश और दुनिया के बहुत सारे पॉलिटिशियन और डिग्नेटरीज, खास मेहमान, 140 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे पूरी दुनिया से। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और यहाँ पर अखबार वाले लिखते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब ये जो खूबसूरत जगह है साउथ अफ्रीका, कभी भी एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन, यानी कि जो जुल्म है, उसको नहीं देखेगा, यानी कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together. Jubilant यानी कि बहुत happy, extremely happy scenes street पर देखे गए Pretoria में, जहाँ पर बहुत सारी ceremonies करी लोगों ने, वहाँ पर काले लोग थे, white लोग थे और mix जो greeds है, mix तरह के लोग हैं वो भी वहाँ पर थे, जिनके जो descents होते हैं वो पता नहीं होता कि black थे या white थे, उनकी मिक्स जो लोग थे वो भी वहाँ पर अवेलेबल थे। सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन वन लेक साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस विद जॉय। वहाँ पर बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका के 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी आप देख लेना, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। 10th May dawned bright and clear. 10th May की जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है, सुबह बहुत अच्छी खूबसूरत उगी है। For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their for the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरे चारों तरफ बहुत सारे डिग्नेटरीज और वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए थे, उन्होंने मुझे घेर रखा था, क्योंकि वो सब के सब यहाँ पर आए थे इनोग्रेशन सेरेमनी में अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनोग्रेशन रहेगा, ये जो इनोग्रेशन रहा, ये दुनिया में, साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा कोई गैदरिंग रही, दुनिया के लोग जहाँ पर आए, इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी कोई लोग साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर नहीं आए थे। सेरेमनीज टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनी हुई है प्रिटोरिया नाम की जगह पर, एक एम्फी थिएटर नाम की एक बिल्डिंग है, जिस पर एम्फी थिएटर बेसिकली वो होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती है, केवल एक बाउंड्री होती है और उसमें बैठने की जगह होती है, वहाँ पर हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पिछले काफ़ी टाइम से, फॉर डिकेड्स, कई दशकों से यहाँ पर केवल और केवल वाइट सुप्रीमेसी, यानी गोरे लोगों ने राज किया है, लेकिन आज यहाँ पर रेनबो गैदरिंग, यानी कि बहुत सारे कलर के लोग गैदर हुए हैं और ये सब मिलकर इंस्टॉलेशन कराएंगे, यानी कि स्थापित करेंगे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कलर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। उस दिन मेरे साथ मेरी डॉटर जिनानी थी ऑन द पोडियम। पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट, और वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड प्रेजिडेंट के रूप में पहली शपथ ली। देन थाबो बेकी वॉज स्वॉन इन प्रेसिडेंट, फिर थाबो बेकी नाम के व्यक्ति ने फर्स्ट प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माय सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने शपथ ली कि मैं अपने आने वाले देश की जो है वो
मतलब संप्रभुता को बनाए रखूंगा और यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, फिर मैंने सब लोगों के लिए अपना भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा वहाँ लिखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम यहाँ पर सब मिलकर ये जो नया जन्म हुआ इस देश का, इसकी ग्लोरी को देख रहे हैं, इसको मतलब विटनेस कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ये जो बहुत ख़राब समय से एक सोसाइटी निकल कर आई है, एक देश निकल कर आया है, इसके ऊपर पूरा दुनिया ज़रूर फख्र करेगी, गर्व करेगी सोसाइटी के ऊपर, इसके ऊपर प्राउड करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सोइल। हम जो कि थोड़े समय पहले तक पूरे आउटलॉ थे, यानी कि हमारे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था कंट्री की तरफ से, आज सब मिलकर हम वही लोग पूरी दुनिया को यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, उनका मेहमान नवाजी कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with our country of what is after all a common victory for justice, peace for humanity, human dignity. यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सारी दुनिया से आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अंततः ये जो जीत हुई है ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की जीत हुई है, क्योंकि मानवता में कभी भी कलर भेद रंग भेद को कभी भी महत्व नहीं दिया जा सकता, यहाँ पर सारे लोग एक समान हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमानसिपेशन यानी फ्रीडम। वी प्लेज आर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आज हमने यहाँ पर एक political freedom achieve कर लिया, एक restriction से जो freedom होती है उसको emancipation के प्राप्त की है, और आज हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे लोगों को ज़रूर मुक्त कराएंगे आने वाली गरीबी से, या फिर किसी को वंचित रख देना, deprivation जो वंचित है उनको बाहर निकालेंगे, दुखों से उनको करेंगे, और जितना भी जेंडर या फिर इन चीज़ों को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उनसे बाहर निकालेंगे, उनसे फ्रीडम दिलाएंगे, इस बात की हम शपथ लेते हैं। और फिर अंत में कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर। और ये मैंने आपको पहले बताया, अखबार में ये लाइन छप भी गई थी कि आज के बाद कभी भी ये खूबसूरत जो लैंड है साउथ अफ्रीका, ये एक के ऊपर दूसरे का जो अत्याचार होता है उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious and human achievement. ये जो achievement का sun आ चुका है ये कभी भी set नहीं होगा। आज जो हमने achieve किया है, हमारी जो आज achievement है, इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign. God bless Africa. चलिए ये freedom को, आज़ादी को राज करने देते हैं, और God bless Africa, यहाँ पर उनका जो है address ख़त्म होता है। Then, at the beginning of his speech, Mandela mentioned, सॉरी चैप्टर वापस अपना यहाँ से है। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेक्युलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। फिर थोड़ी जब हमने देर बाद ऊंचा देखा तो ऊपर की तरफ बहुत सारे जेट्स हेलीकॉप्टर्स जो ट्रूप्स कैरियर्स थे वो दहाड़ रहे थे हवा, क्योंकि वहाँ पे शो एयर शो कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है जब कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है, या फिर हमारे यहाँ पे भी आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को जो जेट्स होते हैं वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं हवा में सारे प्रोग्राम फिनिश होने के बाद। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजीशन एंड मिलिट्री बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था ये सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि हमारी जो फोर्स है वो कितने पावरफुल है, या फिर हम सब लोग मिलकर कितना पिन पॉइंट पर डिस्प्ले कर सकते हैं एरोप्लेन कर हवा में, ये दिखा रहा था कि हम हमारी जो है लॉयल्टी को शो करते हैं हमारे देश के लिए, कि हम हमारे देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और संपूर्ण हमारी जो है जो डिवोटेशन है वो कंट्री के लिए है। डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ना सिर्फ डेमोक्रेसी बल्कि उस गवर्नमेंट के लिए जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई। इससे पहले भी गवर्नमेंट तो साउथ अफ्रीका में थी लेकिन वो कभी भी फ्री और फेयर नहीं थी। Only movement
Four, the highest generals of the South Africa Defence Force and Police, their chest beckoned, bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और मतलब कुछ ही देर पहले जो वहाँ के हाईएस्ट जनरल है पुलिस के आर्मी के उन सब लोगों ने जिनकी छातियों पर बड़े बड़े मेडल्स लदे हुए थे, बेडेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड, उनकी जो रिबिन्स और लगे हुए थे सब दिखाने के लिए कि हम कितनी बड़ी ओहदे पर हैं, ये सब के सब लोगों ने प्लेज ली थी अपनी लॉयल्टी की, अपनी ईमानदारी की मेरे सामने. इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. लेकिन बात ये भी सच है कि इन्हीं लोगों ने थोड़े टाइम पहले मुझे सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. फिर इम्पाला जेट्स ने एक वी की शेप बनाते हुए उनके जो स्मोक निकलता उसमें डिफरेंट कलर से उन्होंने साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना दिया. इम्पाला जेट्स जब शेवरन बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये, जैसे कि ये इस तरीके से जेट्स उड़ते हैं वी शेप में, ये सारे जेट्स उड़ रहे हैं हवा में और इनके पीछे से जो स्मोक निकल रही है इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्मोक निकाल सकते हैं, ठीक है, केमिकली उसको चेंज करके और वो फ्लैग का शेप बना सकते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने किया. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग ओसी सिकेलल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. फिर उस दिन सब लोगों ने मिलकर दो नेशनल एंथम गाए जिसमें पहला था वाइट लोगों वाला कोसी सिकेलल और दूसरा था ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टेम. दोनों जो थे वो नेशनल एंथम बजाए गए. ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड. लेकिन उस दिन किसी को भी उनके जो नेशनल एंथम के बोल है वो लिरिक्स याद नहीं थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. लेकिन ये ज़रूर जल्दी से सीख जाएंगे क्योंकि अब देश उनका बना है तो वो ज़रूर उसका राष्ट्रगान भी सीख जाएंगे, सीख पाएंगे. One day of the inauguration, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. उस दिन जब मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में सोच रहा था तो बहुत गदगद था, भावुक था. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination. The dark skin people of their own land. ये बात बताते हैं कि जो इनोग्रेशन वाला दिन था इसको अगर छोड़ दें तो इससे पहले जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेट में क्या हुआ था जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और जो एंग्लो बोर वॉर हुई थी, यानी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में एक वॉर हुई थी जिसको एंग्लो बोर वॉर कहते हैं, उस वॉर से पहले जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब जितने भी वाइट स्किन के लोग हैं अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने आपस में मिलकर अपने जितने भी डिफरेंसेज हैं उनको ख़त्म करके एक ग्रुप बना लिया था. उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये जो ब्लैक लोग हैं बचे हुए इनके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, मतलब इनके ऊपर अत्याचार करेंगे और वहीं से ये जो स्किन के कलर के ऊपर जो जो है अपना डोमिनेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब डोमिनेशन वहाँ से स्टार्ट हो गया था. The structure they created formed the basics of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. और ये जो system develop हुआ है इसके बाद से दुनिया का सबसे खराब, जो harshest और most inhuman society है वो develop हुई, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर सिर्फ इसलिए अत्याचार करता है क्योंकि उसका color अलग है. Now in the last decade of the 20th century, अब जबकि last decade है 20th century का, जब भी 20th century की बात करते हैं तो हम देखें किसकी बात कर रहे हैं. जब 20th century की हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 1900 से लेके 1999 तक की. अब वो बोल रहे हैं कि last decade of the 20th century, यानी कि 1990 से लेके 99 तक की बात कर रहे हैं, इस दौरान ये घटना हो रही है. एंड उन 8th डिकेट एज अ मैन, और यहां पर नेल्सन मंडेला का 8th डिकेट चल रहा है, यानी कि वो 79 से लेके 80 के अप्रोच उनकी एज रही होगी, ठीक है. दैट सिस्टम हैड ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर
कलर ऑफ देयर स्किन। अब वो जो सिस्टम था उसको परमानेंटली बंद कर लिया गया है, कैंसिल कर दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया है हमेशा के लिए, और उसकी जगह पर कौन सा सिस्टम आ गया है जिसमें सारे लोग जो हैं देश और दुनिया के, उनको उनके स्किन के कलर के ऊपर नहीं बल्कि उनके सारे लोगों को उनके राइट्स के आधार पर, उनके अधिकारों को बराबर मान्यता दी जाती है। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं इसका जो पार्ट टू है वो अभी थोड़े टाइम में आपको वापस लेकर आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।